हरियाणा की 10 सीटों पर बीते कल हुआ मतदान, 65% हुई कुल वोटिंग। सिरसा सीट पर सबसे ज्यादा 67.08% मतदान, तो सबसे कम फरीदाबाद सीट पर हुई वोटिंग। मतदान के बाद हल्के फुल्के मूड में नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी। चाय की टपरी पर बैठकर सीएम ने समर्थकों के साथ पी चाय, लोगों के साथ खिंचवाई सेल्फी, साथ ही साथ बच्चों को दिया आशीर्वाद। निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद को दी गई अंकवार के रूप में जीतकर पहुंचे थे विधानसभा। लुधियाना में भरेंगे हुंकार तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बठिंडा और फतेहगढ़ साहिब में करेंगे प्रचार। पटियाला सीट पर हनके हरियाणा में गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने 6 राज्यों में लू का अलर्ट जारी। आने वाले डिग्री गर्मी के चलते अब तक 60 लोगों की हो चुकी है मौत। ग्रैंड प्रिक्स फीचर फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए किया गया सम्मानित। नमस्कार, हरियाणा प्राइम देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर। बीते कल देश में 6ठे चरण के लिए 58 सीटों पर मतदान हुआ। बीते कल ही हरियाणा की 10 सीटों पर और एक विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसके लिए वोटिंग हुई है और हरियाणा में कल 65% जो है कुल वोटिंग हुई। 2019 के मुकाबले ये मतदान जो है वो कम हुआ। 2019 में 70% जो है वोटिंग दर्ज की गई थी हरियाणा में वोटिंग हुई है। सिरसा सीट पर सबसे ज्यादा जो है मतदान हुआ है, उसके बाद फरीदाबाद की अगर बात करें तो वहां पर सबसे कम जो है 2% वोटिंग हुई है। भिवानी महेंद्रगढ़ में 65.02% मतदान हुआ, 0.06% और हिसार सीट पर 64.06% वोटिंग हुई। करनाल में 63.02% मतदान हुआ। कुरुक्षेत्र में 64.05% वोटिंग हुई। सोनीपत में 62.02% मतदान हुआ। प्रदेश में इस बार 20,031 मतदान केंद्र बनाए गए थे, तो ये बड़ी खबर। इस बार 2019 के मुकाबले जो है 5% में जो है कुल 65% वोटिंग हुई है। पहले हम धीरेन्द्र के पास जाना चाहेंगे। धीरेन्द्र, इस बार जो है कम वोटिंग हुई है, 5% जो है कम वोटिंग हुई है हरियाणा में, किस तरह से देखते हैं आप इसे? 45 डिग्री के आसपास था, इसलिए जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्रों पर कम पहुंचे, बड़ी वजह ये बता। लेकिन अब हम अपने दूसरे सहयोगी धर्मवीर के पास चलते हैं। धर्मवीर, इस बार रोहतक में जो है मतदान जो है वो अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना 2019 में हुआ था। क्या वजह रही, क्या वजह आप मानते हैं, क्या गर्मी एक बड़ा कारण है? जो है वो कम हुआ है पिछली बार के मुकाबले, करीब ऑल ओवर हरियाणा की बात करें तो 5% कम हुआ है। मैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की बात करूँ तो करीब 7% मतदान जो है वो कम हुआ है, क्योंकि 2019 करीब 67% मतदान हुआ था, जबकि अब की बार 60.07% मतदान हुआ है, जो कि करीब करीब 7% कम है पिछली मुकाबले। लेकिन अभी भी फाइनल डाटा जो है वो दोपहर के बाद आएगा तो साफ हो पाएगा कि कुल कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है गुरुग्राम का, जिसमें 25 लाख से ज्यादा मतदाता है, और कुल मिलाकर बात करें तो अब की बार जो वोटिंग हुई है वो 15,63,000 के करीब जो मतदाता है उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया है। सबसे ज्यादा जो मतदान है वो इस लोकसभा क्षेत्र में बावल के इलाके में हुआ, उसके बाद मेवात के इलाके में नुहू पुनाना और फिरोजपुर झिरका में हुआ है। सबसे कम जो मतदान हुआ है वो गुरुग्राम और बादशाहपुर, जो कि दोनों ही शहरी और ग्रामीण दोनों मिली जुली सीट है, इनके ऊपर सबसे कम मतदान हुआ है। और सबसे बड़ी जो वोट है वो भी इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में है, चाहे गुरुग्राम हो चाहे फिर वो बादशाहपुर ही क्यों ना हो। बादशाहपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा वोटर है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में जो शहरी इलाका है सबसे कम वोटिंग हुई है, और इसकी बड़ी वजह यही मानी जा रही कि शहरी जो वोटर हैं वो, एक पहली बात तो ये कि वो कम हिस्सा लेते हैं, क्योंकि अक्सर वो लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो छुट्टियां मनाने चले जाते हैं जब 2 दिन की छुट्टी आती है। तो दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि जो कि गर्मी काफी ज्यादा है, तापमान जो है करीब 45-46 डिग्री के आसपास, तो बहुत से वोट ही निकले, तो बुजुर्ग वोटर बाहर नहीं निकले क्योंकि गर्मी ज्यादा।
की वजह से बाहर नहीं आए, ये एक बड़ी वजह है। लेकिन पिछले के मुकाबले अब के बार वोटिंग काफी कम हुई है, ये बिल्कुल तय है। करीब करीब 5% पूरे ऑल ओवर हरियाणा में वोटिंग कम हुई। अगर हम बात करें धर्मवीर, तो इस बार मुकाबला कड़ा है और किस तरह से बिल्कुल होता है, क्योंकि ये एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसके ऊपर एक तरफ शहर तो दूसरी तरफ पिछड़ापन जाता है, मेवात का इलाका है जिसकी 3 विधानसभा सीटें आती हैं। हालांकि इन तीनों सीटों पर कभी भी भाजपा को जीत मिली नहीं है, हर बार वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी ही 2000 को करीब 3.5 लाख वोटों से हार मिली थी। लेकिन उनकी ये जो हार है ये गुरुग्राम और बादशाहपुर 2 विधानसभा सीटों पर ही पूरी हो गई थी, और उसके बाद जो बाकी की जो सीटें बच गई थी 4, उन चारों सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह ने जीत दर्ज की और करीब 5 लाख वोटों से जीते थे। लेकिन अब की बार जो मुकाबला है उसमें अब जो वोटिंग कम हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आकलन अब यही है कि ये वोट किसका कम, क्या ये 2014 का चुनाव रहा हो या 2019 का चुनाव रहा हो, हर बार भाजपा को वहां से हार होती है। और जो कांग्रेस है वो कितनी बाजी मारती है, अगर वो वहां से लीड लेकर आती है तो फिर अहिरवाल के क्षेत्र में क्या वो अहिर वोटों पर सेंधमारी कर पाती है या नहीं कर पाती है। अगर कांग्रेस ने अहिर वोटों पर सेंधमारी नहीं की तो जाहिर सी बात है कि दोबारा से राव इंद्रजीत सिंह का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन अगर अगर कांग्रेस इन इलाकों में अगर अहिर वोटों में सेंधमारी कर पाई तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को फायदा मिलेगा। जी शुक्रिया धर्मवीर। तो हम अपने दूसरे सहयोगी धीरेंद्र का रुख करना चाहेंगे। धीरेंद्र, वोटिंग कम हुई है, आप क्या कारण मानते हैं, क्या गर्मी ही इसका एक कारण है? देखिए गर्मी निश्चित तौर पर कारण है, लेकिन अगर पिछले आंकड़ों पर भी बात करें, रोहतक पे पिछली बार एक बेहद कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार उन क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग हुई है जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। चाहे महम की बात करें, हम गढ़ी सापला किलोई की बात करें या बेरी की बात करें, वहाँ मतदान काफी बड़ा है। जो शहरी क्षेत्र है जहाँ पर उम्मीद थी कि शायद मतदान बढ़ेगा, वहाँ पर मतदान कम हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं इसको चिंता की बात मानी जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लीड यहीं से ज्यादा होती थी जिन शहरी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर रोहतक लोकसभा का है, कोसली विधानसभा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ उसको माना जाता है, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलेगी। लेकिन कितनी लीड मिलेगी ये इस पर निर्भर करता है, क्योंकि पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से तकरीबन 75,000 वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार मान के चल रहे हैं कि शायद वो मार्जिन कम होगा। लेकिन जो गढ़ी सापला किलोई महम और बेरी विधानसभा की हम बात करें, वहां पर कांग्रेस का मार्जिन बढ़ सकता है। तो कांटे की टक्कर है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में रोहतक का चुनाव आता नजर आ रहा है। लेकिन ये तो 4 जून को तय होगा कि कौन बाजी मारता है, लेकिन रोहतक में टफ फाइट है। जी रोहतक में पिछली बार भी टफ फाइट थी, भले ही 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन जो है यहाँ पर टफ फाइट थी। केवल 7,500 वोट से ही जो है दीपेंद्र हुड्डा को जो है मात खानी पड़ी थी बीजेपी उम्मीदवार से। लेकिन ज्यादा वोटिंग हुई है तो यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें इस बार बढ़ सकती है। देखिए एक हरियाणा का एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा भी है जो कि रोहतक लोकसभा में आता है, उसका नाम है बादली। एकमात्र पूरे प्रदेश का ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो इस बार जहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, वहां पर 4% से 2000 ज्यादा बढ़े हैं। अच्छी खबर भी है कि प्रदेश के लिए कि एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जब पूरे प्रदेश के अंदर मतदान 5 से 8% कम हुआ, वहां पर तकरीबन दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत हुआ है। अब देखना ये होगा कि जब रिजल्ट आता है तो इसका क्या असर यहाँ पर पड़ता है, दोनों क्षेत्र में किस तरह से असर पड़ा और गर्मी का कितना असर पड़ा, कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने प्रभावित किया, इसके बारे में जो है वो पूरी जानकारी दी है। वहीं गुरुग्राम से विधायक जो थे राकेश दौलताबाद, उनको अंतिम विदाई दी गई। हजारों लोगों ने नम आंखों से राकेश दौलताबाद को विदाई दी। आपको बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। डीसीपी वीरेंद्र विज और इसके साथ साथ कई लोग वहां पर मौजूद रहे। विधायक सत्यप्रकाश, बलराज कुंडू और नैनपाल सिंह रावत भी यहां पर मौजूद रहे। बीते कल हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई थी। बादशाहपुर से आजाद उम्मीदवार थे और राजकीय सम्मान के साथ विधायक का अंतिम संस्कार, हजारों लोगों ने नम आंखों से जो है विधायक को विदाई दी है। के सेंटर में भीषण आग लगी है, 6 नवजात शिशुओं की इसमें मौत हो गई और 6 बच्चों का इलाज जारी है अस्पताल में। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। दिल्ली के विवेक विहार ब्लॉक बी की एक घटना है।
देर रात बेबी केयर सेंटर में आग लग गई, जिसमें 6 नवजात शिशुओं की जो है वो मौत हो गई। 6 नवजात शिशुओं का इलाज जारी है। बेबी केयर सेंटर में ये भीषण आग लगी। हम आपको आग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत दूर से जो है भीषण आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसके बाद की बुरा आप देख सकते हैं, दिल्ली की ये पूरी घटना है, दिल्ली के विवेक विहार ब्लॉक बी की ये घटना है। देर रात जो कि नवजात शिशुओं की मौत हो गई और 6 का इलाज फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और बड़ी मुशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया जा सका।